कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं जस्टिस एनवी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश, ऐसे बोबड़े ने की नाम की सिफारिश। सीतापुर में सीएम योगी ने 21 जिलों में बनाए गए ड्रग वेयर हाउस का किया शिलान्यास, विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित संगोष्ठी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री ने फिर एक बार भरी हुंकार, कांथी की चुनावी सभा में बोले 2 मई को दीदी की विदाई तय। यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव से जुड़ा नया आदेश, सहकारी समितियों के अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे ग्राम प्रधान का चुनाव, सहकारी समितियों के उपाध्यक्ष भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामले को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा। बिहार विधानसभा में पुलिस ने विपक्षी विधायकों को लात जूतों से पीटा, बिहार विधानसभा में हुए हंगामे को राहुल गांधी ने बताया लोकतंत्र का चीरहरण, बोले मुख्यमंत्री आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। देश में फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 132 दिनों बाद कोरोना के 47,000 से ज्यादा केस। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को हुआ कोरोना, होम क्वारंटीन में है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दिल्ली में जल शक्ति सिंचाई विभाग की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली के मदनपुर में वर्षों से 6 एकड़ अतिक्रमित भूमि को कराया गया अतिक्रमण। लखनऊ में युवक ने युवती की हत्या कर किया सुसाइड, होटल के कमरे में मिला दोनों का शव। कौशाम्बी में पुलिस ने जहरीली शराब का जखीरा बरामद किया, चेकिंग के दौरान 363 अवैध शराब की बोतलों के साथ ही 20 लीटर स्प्रिट मिली। मुरादाबाद में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े मॉल को सील किया, मॉल पर नगर निगम का 17,45,000 रुपए का टैक्स बकाया था। ग्रेटर नोएडा में खेल प्राधिकरण के जीएम से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, मुठभेड़ में बदमाशों से स्विफ्ट डिजायर का कार, 3 अवैध तमंचे बरामद। जहां से पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। पीलीभीत में 2 बहनों के शव मिलने के मामले का एसपी का बड़ा बयान, मृतकों के परिजनों की भूमिका बताई संदिग्ध। फरुखाबाद में भाई ने बहन की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी, बड़ी बहन के देवर पर भी हमले की कोशिश। बाद में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी बाइक को चुराने की कोशिश, बाइक स्टार्ट न होने के चलते खाली हाथ गए चोर। गाजियाबाद में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में एक्शन, जीडीए ने 2 लोगों को किया तलब, मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जैन और धीरज जैन तलब। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार बैरिकेटिंग से टकराकर पलटी, कार सवार 3 लोगों को आई मामूली चोट, हादसे के बाद डीएमडी पर लगा जाम। कानपुर के कलेक्टरगंज में गुड़ मंडी में बनी एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, आग से सारा सामान जलकर खाक। पिथौरागढ़ में सड़क नहीं होने से बड़ी लोगों की परेशानी, बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण। प्रयागराज में हॉकी खिलाड़ी परिवार संग फुटपाथ पर जिंदगी बिताने को मजबूर, किस जमा नहीं होने पर विकास प्राधिकरण ने सामान बाहर निकालकर घर को सील किया। मेला प्रशासन ने जारी किया कुंभ क्षेत्र का वीडियो, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई धर्मनगरी हरिद्वार। 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव, डीजल 17 और पेट्रोल 18 पैसे हुआ सस्ता।